हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल साइंस बाय कपिल शर्मा। ओके स्टूडेंट, तो आज जो है हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पे बात करेंगे। तो लास्ट टाइम जो है हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, और इलेक्ट्रिक करंट में लास्ट टाइम हमने समझा था क्यू अपॉन टी, यानी कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर वायर है और उस वायर में चार्ज फ्लो हो रहे हैं यूनिट टाइम में, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होता है रिक्वायरमेंट, चार्ज की। यस, इलेक्ट्रिसिटी के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, चार्ज की। अब सपोज करो मेरे पास एक वायर है और इस वायर में मैं इस चार्ज को यहां से यहां तक लेके आया, तो आप कहोगे सर आपने डिस्प्लेसमेंट किया। यस, आप कह रहे हो सही है, मैंने यहां से और यहां तक लेके आया तो एक डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, और साथ ही साथ इसको ले जाने में मैंने एक वर्क किया होगा। ओके, सॉरी, यहां से यहां तक ले जाने में मैंने एक फोर्स लगाया होगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। यानी मैं इस, सपोज करो ये चार्ज है और इसको मैं यहां से यहां तक लेके आया, तो आप इनडायरेक्टली ये भी तो कह सकते हो सर आपने काम किया, आपने समझा होगा वर्क को। वर्क क्या है, जब आप किसी भी चीज में फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट कर दो तो वो वर्क है। तो ऐसे ही मैंने इसमें फोर्स लगा के यहां से यहां तक मैं इसको लेके आया, तो मैंने क्या किया, काम किया। तो यहां से यहां तक चार्ज आया तो मैंने क्या किया, काम किया। अब मैं आपसे ये कहूं कि मैं जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा या जितना ज्यादा काम करूंगा उतना ही चार्ज लेके आऊंगा, और जितना ज्यादा लेके आऊंगा वो मेरा क्या होगा, पोटेंशियल। आप यही तो बोलते हैं कि देखते हैं आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। तो आप जितना ज्यादा चार्ज लेके आओगे या जितना ज्यादा काम करोगे उतना ही आपके अंदर पोटेंशियल होगा। और इलेक्ट्रिसिटी के केस में आपको उसको इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल बोल दोगे, यानी कि कितना काम किया जा रहा है और कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। जितना ज़्यादा काम करेंगे जितना उतना ही ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा, तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गाइस होता भी यही है, यानी किसी भी चार्ज को कंडक्टर वायर तक लेके आने में जो वर्क किया जाता है। यस रिपीट, किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक वायर तक लेके आने में जो वर्क किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिसिटी वाली बात है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जस्ट अ मिनट, मेरे पास एक सेल है और इस सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। तो जो चार्ज है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्यों जाएगा। उसको समझने के लिए आप समझो कि सपोज मेरे पास एक टैंक है और उस टैंक में क्या है, पानी भरा हुआ है। ऐसे ही दूसरा टैंक है और उसमें भी पानी भरा हुआ है। तो अब मैं यहां इसको मैं दोनों से ही कनेक्ट कर देता, दोनों से मैंने कनेक्ट कर दिया। तो अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ पानी का फ्लो किधर से किधर होगा, तो आप कहोगे सर कहीं भी नहीं होगा क्योंकि दोनों टैंक भरे हुए। ऐसे ही सेकंड केस में मैं क्या करता हूं, खाली टैंक लगा देता हूं, अब बताओ पानी कहां से कहां फ्लो होगा। आप कहोगे सर पानी है ही नहीं है तो फ्लो कहां से होगा। एग्जैक्टली ऐसे ही थर्ड केस में मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने टैंक लिया इसको पानी से जो है भर दिया, और दूसरा जो टैंक लिया मैंने इसको मैंने खाली रखा, और अब मैंने दोनों को जोड़ दिया, अब बताओ कहाँ से कहाँ वाटर फ्लो होगा। तो आप कहोगे सर इस वाले टैंक से वाटर जो है यहाँ पे फ्लो होगा, और वो जब तक फ्लो होगा दोनों का लेवल जो है सेम नहीं हो जाता। ऐसे ही इसमें कुछ केमिकल भरे हुए, केमिकल रिएक्शन की वजह से सेल में क्या होगा, सेल में केमिकल रिएक्शन सन की वजह से चार्ज जनरेट होगा। अब ये चार्ज जनरेट हो गया, अब ये चार्ज यहीं पे है, लेकिन जैसे ही मैं इसको वायर से कनेक्ट करूँगा, इस वाले चार्ज को इस वाले वायर से कनेक्ट करूँगा, और सपोज़ यहाँ पे मैं एलईडी बल्ब लगा देता हूँ, तो अब क्या होगा, चार्ज अपनी हायर कंसंट्रेशन से, ये वाली कंडीशन हो गई, पानी इधर भरा हुआ है और इधर खाली है, तो चार्ज अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। यानी आप कह सकते हो चार्ज जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करेगा, चार्ज जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करेगा। इधर बना देता हूं, चार्ज जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करेगा, और यहां पे सपोज ये बल्ब है ये ग्लो कर जाएगा। ओके, तो ये चार्ज जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो कर गया। तो अब आपने देखा
कि चार्ज को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, यानी एक तरफ हायर पोटेंशियल था एक तरफ लोअर पोटेंशियल था, इस वजह से जो है चार्ज फ्लो किया। अगर ऐसा नहीं होता तो चार्ज फ्लो नहीं होता। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस यही है दो टर्मिनलों के मध्य या दो टर्मिनलों के बिटवीन जितना भी पोटेंशियल होता है, जितना भी पोटेंशियल होता है उनका जो डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर मान लो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। ओके, तो जैसे सपोज करो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। तो अब आप कह सकते हो कि टोटल पोटेंशियल जो है वो कितना है, 5। आपने कैसे निकाला, हायर में से लोअर को सेपरेट कर दिया। अब यहीं पे ये जो है 0 वोल्ट हो गया, तो अब आप कहोगे कि 10। तो आपने देखा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो हमारी जो वैल्यू है वो ज्यादा आएगी। तो इसी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव वायर जो है अपन साथ में लगाते हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव वायर नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा तो जो है करंट फ्लो नहीं होगा, यानी करंट फ्लो के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो फोर्स ही क्या है, पोटेंशियल है। और वो फोर्स कब जनरेट होता है, जब डिफरेंस होता है। तो दोबारा से इस बात, इस पूरे कंसेप्ट को एक बार से और समझ लो कि मैंने अभी क्या बताया। पहले मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए चार्ज चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए, चार्ज। और चार्ज जब भी फ्लो होगा जब टर्मिनल के बिटवीन जो है क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो चार्ज जो है तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल के बिटवीन जो है डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल के बिटवीन जब डिफरेंस होगा तो चार्ज जो है फ्लो करेगा ऐसे 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 ऐसे। और जब चार्ज फ्लो करेगा तो हम कह सकते हैं चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आया, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आया और उसके लिए क्या है, फोर्स चाहिए था, और वो फोर्स क्या है, डिफरेंस ही फोर्स था। वो फोर्स कौन सा था, डिफरेंस वाला ही फोर्स था। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आया या एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जब चार्ज आया, तो इस चार्ज ने क्या किया, यहाँ पे समझो ये चार्ज यहाँ पे आया तो इसके लिए जो है एक वर्क हुआ। जब भी कोई चीज़ एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाती है गाइस, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा 9th में, इसीलिए 9th की जो है वैल्यू है। तो जैसे मैं इसको यहाँ से लेके जब भी यहाँ पे आऊँगा, जब जब यहाँ से लेके मैं यहाँ पे आऊँगा, तो आप कहोगे सर आपने वर्क किया, और मैं जितना ज़्यादा वर्क करूँगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा या फिर उतना ही पोटेंशियल होगा। तो अब बात आती है कि सर दोनों में अंतर क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है दो टर्मिनलों के बीच का जो डिफरेंस है वो तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, और जबकि पोटेंशियल क्या है, ये जो चार्ज यहाँ से यहाँ तक जो फ्लो होने में जो वर्क डन हो रहा है वो है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अब SI यूनिट की हम बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं गाइज, हालांकि EP से रिप्रेजेंट करना चाहिए था, पर वोल्टा के रेस्पेक्ट में हम इसे V से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो SI यूनिट है वो क्या है, वोल्ट। क्या है SI यूनिट, वोल्ट, जिसे V से रिप्रेजेंट। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, V से अपन रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, और V से ही हम उसकी SI यूनिट को लिखते हैं, वोल्ट। तो अब बात आती है कि कैसे हमें पता चले, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, तो आप इसको तो पढ़ोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसको पढ़ोगे वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्ट। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो SI यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो SI यूनिट है वो है वोल्ट, जिसको अपन V से लिखते हैं शॉर्ट में। ओके, अब वर्क की जो SI यूनिट है वो है जूल, जिसको अपन J से लिखेंगे। और चार्ज की SI यूनिट जो है हमने पहले ही जान ली थी, चार्ज की जो SI यूनिट है वो है कूलाम। तो क्या मैं इसी फॉर्मूले को SI यूनिट के फॉर्म में नहीं लिख सकता क्या, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, ऐसे नहीं लिख सकते क्या, कि जैसे मैं V की जगह अभी इसी को मैं SI यूनिट के फॉर्म में लिखना चाहूँ, इसी फॉर्मूले को, तो V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वोल्ट लिख सकता हूँ। तो V की जगह मैंने यहाँ पे वोल्ट लिख दिया,
ओके यहाँ पे ये वी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे वी का मतलब है वोल्ट। तो अब वोल्ट इज इक्वल टू डब्ल्यू की जगह क्या लिखा मैंने, जूल, क्योंकि ये इसकी ऐसा यूनिट है। कूलाम की क्यू की जगह, चार्ज की जगह अपने क्या लिख दिया, कूलाम लिख दिया। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसा यूनिट के रूप में अगर यार लिखें तो इस तरह से लिखेंगे। ओके अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आप नीचे वाली क्वांटिटी को ऊपर लेके जाते हो तो आप क्या करते हो, इनवर्स वर्ड यूज करते हो। तो जे सी इनवर्स वन, यस। तो अब बात आती है कि वन कहां से आया, तो माइनस जो साइन है ना गाइस, वो माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्वांटिटी अपॉन में रही होगी, ये क्वांटिटी अपॉन में रही होगी। तो अब आपको जो है मैं एक बात बता देता हूं कि जैसे अगर यहां पे स्क्वायर होता तो यहां पे आप माइनस टू लिखते, यहां पे अगर क्यू होता यहां पे आप माइनस थ्री लिखते, लेकिन यहां पे कुछ भी नहीं है इसलिए आप इसको माइनस वन लिखोगे। यानी आप अगर इस तरह से लिख रहे हो तो भी राइट है और इस तरह से भी लिख रहे हो तो राइट है। अगर अपॉन हटा रहे हो यानी कोई भी क्वांटिटी अपॉन में है और उसको ऊपर ला रहे हो, तो जितना क्वांटिटी नीचे है स्क्वायर में है तो माइनस टू लिखो, क्यू में है तो माइनस थ्री लिखो। ओके तो ऐसे ही यहां पे कुछ नहीं था इसलिए माइनस वन। ओके तो ये जो बात है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अभी इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, उससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो है कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं दोबारा से। तो देखो क्या है, हम समझ गए कि जो चार्ज होता है ना, उस चार्ज को फ्लो होने के लिए एक डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दो टर्मिनलों के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो डिफरेंस है, उसको अपन पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। और जब चार्ज जो है अपना हायर कंसंट्रेशन से यानी पॉजिटिव से जब नेगेटिव की ओर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर फ्लो होगा चार्ज, तो उस फ्लो होने में जो वर्क किया जाएगा, चार्ज फ्लो हो रहा है और उसको फ्लो होने में जो वर्क किया जाएगा उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे हो सकता है आप कई स्टूडेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड से हो, तो एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये अगर आपने नोट कर लिया तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ कि कई बोर्ड में जो है एक बात लिखी हुई है, यानी जो डेफिनेशन है थोड़ा सा एनसीईआरटी से थोड़ी सी डिफरेंस है। वो कैसे है और क्यों है उसका मतलब समझो कि जैसे ही मेरे पास चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और ये यहाँ पे है नेगेटिव, मतलब सॉरी ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब चार्ज जो है गाइस बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इतना ज़्यादा छोटा कि आप इसे माइक्रोस्कोप से तो देख ही नहीं सकते, इसके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और वो भी बहुत हायर क्वालिटी वाला। तो यानी चार्ज जो है बहुत ज़्यादा छोटा है, तो चार्ज के लिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करना, चार्ज के लिए यहाँ तक की यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है अगर चार्ज, तो चार्ज के लिए वो डिस्टेंस कितनी हो गई, इनफाइनाइट। जिस डिस्टेंस को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आप क्या बोल देते हो, इनफाइनाइट। तो ऐसे ही कहीं डेफिनेशन में ऐसा लिखा हुआ है कि इनफाइनाइट से चार्ज यानी कि क्यू, ओके यस, इनफाइनाइट से किसी भी चार्ज को कंडक्टर वायर तक, इनफाइनाइट से ये आ गया चार्ज इनफाइनाइट पे है और वो वायर तक आ गया, तो इनफाइनाइट से चार्ज को लाने में किया गया जो वर्क है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि बात तो दोनों ही सेम है, यहां पे इनफाइनाइट डिस्टेंस मेंशन नहीं की है, वहां पे डिस्टेंस मेंशन की है, दोनों में फर्क कितना है बस, यहां पे इन्होंने एक वर्ड ऐड कर दिया है नया कि इनफाइनाइट से चार्ज को कंडक्टर वायर तक लाने में जो वर्क किया जाएगा वो पोटेंशियल होगा। और वहां पे क्या है कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जब चार्ज फ्लो होगा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर चार्ज फ्लो होगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दोनों की डेफिनेशन लगभग जो है सेम है, दोनों की सेम लिखा दूंगा मैं। एनसीईआरटी से जो बच्चे बिलोंग कर रहे हैं उनको एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन फॉलो करनी है, और जो कई स्टेट बोर्ड में ऐसा लिखा हुआ है उस डेफिनेशन को वो फॉलो करेंगे। तो अभी मैं आपको डेफिनेशन लिखा देता हूँ इसकी। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम जो है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं।
तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो टर्मिनलों के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को लाने में जो कार्य किया जा रहा है उसको ही अपन क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, वही मैंने बात की थी ना, इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को लाने में जो कार्य किया जा रहा है, वर्क डन इन अ ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, एक पॉइंट तक, इज अ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट, उस पॉइंट तक लाने में जो किया गया कार्य है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। यहाँ पे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर रह गया, उसको आप नोट कर लेना। ओके, तो अभी हमने जो है डेफिनेशन को भी देख लिया, अगर आप नोट करना चाहो तो यहाँ पे लास्ट में वो अनदर पॉइंट लिखना भूल गया, वो आप लिख सकते हो। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक, इसकी जो डेफिनेशन है ये है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर जाना है, एनसीईआरटी में मेंशन है डेफिनेशन, या फिर एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको चाहिए तो आप इसको भी नोट कर सकते हो, जिसमें क्या है प्रॉपर लिखा हुआ है कि इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को लाने में जो कार्य किया जा रहा है उसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हो। ओके स्टूडेंट, तो अभी जो है मैं इसको रफ कर रहा हूँ और मैं अभी आगे जो है एसआई यूनिट पे बात कर लेता हूँ। तो मैंने अभी एसआई यूनिट तो बताई दी थी आपको, तो आप नोट कर सकते हो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे वी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी इज वोल्ट, जिसको अपन बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो अलेसांद्रो वोल्टा जो थे उनके रेस्पेक्ट में, उनको मतलब रेस्पेक्ट, उनके रेस्पेक्ट में ये एसआई यूनिट बनाई गई थी, जो कि इटली के जो थे फिजिसिस्ट था। तो फिजिसिस्ट यानी फिजिक्स के जो भी लेक्चरर कह लीजिए या फिर एक तरह से साइंटिस्ट कह लीजिए, वो थे अलेसांद्रो वोल्टा। इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी पे काम किया और उसके रेस्पेक्ट में जो है एसआई यूनिट दी गई है, तो वी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आप वोल्ट बोलते हो। ऐसे ही एसआई यूनिट ऑफ वर्क, आपको भी पता है जूल भी एक साइंटिस्ट थे, तो जूल जिसको जे से आप रिप्रेजेंट करते हो। ओके, ऐसे ही एसआई यूनिट ऑफ चार्ज की, तो मैं पहले ही लिखा चुका था गाइस, फिर भी लिख लो, कूलाम, ये भी एक साइंटिस्ट थे, तो कूलाम इनके रेस्पेक्ट में। तो ये तीनों ही एसआई यूनिट जो है साइंटिस्ट के मतलब जो है रेस्पेक्ट में दी गई हैं। ओके, तो ये वाली बात हमने समझ ही ली थी। साथ ही साथ कई बार आपसे एक डेफिनेशन पूछ लेता है और उस डेफिनेशन को बच्चे रटते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, मेरे को रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी मैं एक बात पूछता हूँ कि सपोज मैं अगर आपसे कहूं कि मैं एक इन्फिनिट से एक चार्ज को लेके आ गया, एक चार्ज को मैं इन्फिनिट से लेके आ गया, ठीक है, यानी एक कूलाम को मैं इन्फिनिट से लेके आ गया है, वो यहां से पे रखा हुआ था और इसको मैं लेके आ गया, तो लाने में मैंने जो है वर्क किया और वो वर्क जो था एक जूल था। मैं एक चार्ज को लेके आया, एक कूलाम चार्ज को लेके आया, और उसे लाने में अगर मेरे को एक जूल काम करना पड़ रहा है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने जो पोटेंशियल था वो वन वोल्ट है। दोबारा समझो, एक कूलाम चार्ज को हम कंडक्टर वायर तक या टर्मिनल पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, अब इसे लाने में अगर हम एक जूल काम कर रहे हैं या एक जूल वर्क डन कर रहे हैं, तो वो क्या एक वोल्ट के इक्वल नहीं होगा? तो एक वोल्ट की डेफिनेशन भी क्या है, एक चार्ज को या एक कूलाम को लाने में जो आप वर्क कर रहे हो, एक जूल वर्क कर रहे हो, एक चार्ज को अगर लाने में एक जूल वर्क कर रहे हो, तो उसको अपन एक वोल्ट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये जो था
इसमें हमने समझा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डेफिनेशन को देखा, एसआई यूनिट को देखा, और एक वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी वो देखा। एक वोल्ट की डेफिनेशन जो है एज इट इज एनसीईआरटी में लिखी हुई है, आप वहां से नोट कर लोगे। ओके, उसे नोट कराने के लिए आई थिंक, मेरे को लग रहा है ज़्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा, और तो कुछ नहीं है। तो अभी जो है इसी का जो सेकंड पार्ट है मैं बता रहा हूँ, वो है न्यूमेरिकल्स। वहाँ मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और आपको होमवर्क में दूंगा, तो वो पार्ट जो है गाइस जरूर देख लेना। और इसके बाद फिर हम करेंगे कंप्लीट सर्किट को समझेंगे। ओके, तो स्टूडेंट मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।